रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद व बारिक व सल्ली व सल्लम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर बायोलॉजी, द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज रिपेयर ऑफ ब्रोकन बॉन्ड्स। तो बेटा जी, इस टॉपिक में आज जरा इसका एक छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन है, काजेज ऑफ बॉन्ड्स फ्रैक्चर। वेदर वी नो दैट बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर, बट दे मे ब्रेक ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। ट्रोमा, कोई चोट लग जाए, कोई डंडा लग गया है या कोई पत्थर लग गया है, चोट लग गई है, बाजू को पकड़ के मोड़ दिया, ट्विस्ट पड़ गया है, जैसे घुटनों के अक्सर ऐसा हो जाता है या एड़ियों में ऐसा हो जाता है, पाँव को मोच आ जाती है, इस तरह से ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स, फॉल्स, जिसम जब वो बुलंदी से गिर गया है तो बंदे की हड्डियाँ तब टूट जाती हैं, पहाड़ों से, घर की छत से वगैरह वगैरह। तो अगर आपको अभी नहीं समझ आई तो आप तजर्बा करके देखिए जी। तो ज़्यादातर बोन्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली टूटती हैं ओल्डर पीपल्स की, तो क्योंकि वो थिन एंड वीक हो जाती होती हैं, कमज़ोर, इसलिए वो आसानी से टूट जाती हैं। तो बेटा जी, जब फ्रैक्चर बोन्स को सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टेप जो है वो उसका क्या है, रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स। रिडक्शन क्या है, व्हाट इज रिडक्शन, रीअलाइनमेंट ऑफ एंड्स ऑफ द ब्रोकन बोन्स, जो है टूटी हड्डियों के किनारों को दोबारा आपस में मिलाना, क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। इट इज टू टाइप्स, ओपन रिडक्शन एंड क्लोज रिडक्शन। इन ओपन रिडक्शन ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन्स आर जॉइंड बाई सर्जरी, क्या किया जाता है, जिस्म के उस हिस्से को ब्लेड के जरिए से कट करके खोल लिया जाता है और उसमें टूटी हुई हड्डियों को दोबारा से तरतीब में रख दिया जाता है, और दे आर जॉइंट बाई सर्जरी थ्रू वायर्स, अगर नीडेड है वायर एंड पिंस के जरिए से, ठीक है जी। जरूरी नहीं है कि हर मरतबा जो है वो इस्तेमाल होने हैं, जरूरत के मुताबिक। जबकि इन क्लोज रिडक्शन ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन्स आर जॉइंट विद इन द बॉडी, नो सर्जरी। जैसे ही ऐसे ऐसे हाथों के जरिए से जो है बाई फिजिशियंस हैं, जो है फिजिशियन बेटा जी नॉन सर्जन को कहते हैं, तो कोई भी हड्डी जो है वो तो जोड़ का जो माहर है वो ये काम कर सकते हैं। वैसे तो जोड़ तोड़ का लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे हड्डी जोड़ का माहर भी है। अब बेटा जी काम की बात की तरफ आ जाते हैं, रिडक्शन के बाद दूसरा काम जो है वो इमोबलाइजेशन जो है, यानी उन टूटी हुई हड्डियों के किनारों को एक इस तरह से कर जोड़ कर दिया जाए कि अब वो हिले ना, वो आगे पीछे ना हो, उनको इमोबिलाइज करना है। तो दिस इज डन बाय कास्ट, एक कास्ट सांचा सा ऊपर चढ़ा दिया जाता है, खोल चढ़ा दिया जाता है, आमतौर पर जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो जिप्सम होती है उसका बना दिया जाता है, कुछ में जो है वो प्लास्टिक का होता है, किसी में जो है वो कपड़े का ही होता है वगैरह वगैरह। तो दूसरा जो बेटा जी फिर, या फिर क्या किया जाता है, इमोबिलाइजेशन बाय ट्रैक्शन, ट्रैक्शन के जरिए से भी की जाती है। ट्रैक्शन में पट्टी लपेट दी जाती है या उसके ऊपर जो है वो लकड़ी के पैमाने जो है वो लगा के इर्द गिर्द जो है वो बोन के एक पैमाना इधर एक इधर एक इधर लगा के मजबूत जरा जो है वो खींच के पट्टी जोर से जो है वो बांध दी जाती है। तो ट्रैक्शन का मतलब होता है जिसम को खींचना, तो खिंचाव करना। बैंडेजेस ऑफ वुड्स बाय यूजिंग बैंडेजेस एंड वुड स्केल जो है बड़ा जी। उसके बाद अब क्या शुरू होना है, हीलिंग प्रोसेस शुरू होना है, द हीलिंग ऑफ वाउंड्स, जख्म बन जाते हैं ना वाउंड्स जो है बिटवीन द फ्रैक्चर्ड एंड्स ऑफ बोन्स, इट टेक्स राउंड अबाउट दिस हीलिंग टेक्स 8 to 12 weeks। बड़ा जी 8 हफ्तों के 2 माह बनते हैं और 12 weeks के 3 माह बनते हैं, यानी 2 से 3 माह जो है हीलिंग होती है। इट इज मच लॉन्गर फॉर लार्ज वेट बीरिंग बोन्स एंड फॉर बोन्स ऑफ एल्डरली पीपल, क्योंकि बूढ़े लोगों के अंदर जो है एल्डरली पीपल जो होते हैं, ठीक है ना जी, यहाँ पे एल्डरली पीपल जो है उनके बोन्स जो है उनमें ना हीलिंग प्रोसेस ग्रोथ का अमल स्लो डाउन हुआ होता है, तो इसलिए ये हीलिंग एक तरह की ग्रोथ है। अब बेटा जी मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, रिपेयरिंग एंड हीलिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हेमाटोमा फॉर्मेशन, वी नो दैट व्हेन अ बोन इज ब्रोकन द ब्लड वेसल्स इन द बोन इटसेल्फ एंड परहैप्स इन सराउंडिंग टिश्यूज आर टॉर्न आउट, वो
खून की नालियां जो खुद हड्डी में मौजूद हैं और सराउंडिंग मसल टिश्यूज में मौजूद हैं वो फट जाती हैं, तो क्या होना शुरू हो जाता है? ब्लीडिंग हेमरेज होना शुरू हो जाती है। तो जब खून खून की नालियों से बाहर निकलता है ना, तो वो क्लॉट होना शुरू हो जाता है। इट चेंज इनटू ए बिग मैस ऑफ क्लॉटेड ब्लड फॉर्म्स एट द फ्रैक्चर साइट। तो टूटी हड्डियों के किनारों के दरमियान में ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे। तो अब जरा बात सीधी सी है, जब खून की नालियां फट गई हैं तो एक तरफ आगे जो खून जा रहा था उन टिश्यूज को अब ब्लड नहीं मिल रहा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो क्या जी, सून आफ्टर बोन सेल्स डिप्राइड ऑफ फूड एंड बिगेन्स टू डाई। तो जिसके नतीजे में टिश्यू एट द फ्रैक्चर साइट बिकम स्वॉलन एंड पेन जो है वो पैदा होना शुरू, पेन होता है। तो नंबर दो पे बेटा जी, अब ये तो हो गया जी फ्रैक्चरिंग के अफेक्ट्स। नंबर दो पे क्या होता है जी, कैलस फॉर्मेशन, सॉफ्ट कैलस। बेटा जी कैलस क्या है? तो कैलस बेटा जी मैस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड क्या होते हैं? न्यूली फॉर्म्ड सेल्स जो है उसको हम क्या कहते हैं, जो नए नए सेल्स अभी सेल डिवीजन से पैदा होते हैं उन सेल्स को हम क्या कह देते हैं जो है वो, उन सेल्स को हम क्या कह देते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। और उनका मजमुआ जो है वो क्या कहलाता है? कैलस कहलाता है बेटा जी। तो अब जो है वो जरा देखें कि हम बात करेंगे कैलस जो है, सॉफ्ट कैलस जो है ये फर्स्ट 3 to 4 वीक्स यानी हीलिंग के अंदर पहले महीने में ये सॉफ्ट कैलस बनता है। तो जो है बिगेंस टू कैपरीज ग्रो इनटू द हेमाटोमा, उस ब्लड क्लॉट में। हेमाटोमा का मतलब क्या होता है? ब्लड क्लॉट। उस ब्लड क्लॉट में अब नई ब्लड कैपरीज जो है वो ग्रो करती हैं और उसकी सफाई करना शुरू कर देती हैं, क्लियर अप द डेब्रस, फिब्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट जो के जो है वो नए कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मिंग सेल्स है। ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स को कहते हैं। फिब्रोब्लास्ट बेटा जी नए जो है वो कार्टिलेज सेल्स जो है, कार्टोसाइट्स जो बनाने वाले सेल्स हैं वो पहले आते हैं। तो पहले महीने में जो है ये इन सेल्स की एक्टिविटी से जो है वो एक सॉफ्ट कैलस जो है वो ब्रोकन एंड्स के दरमियान में बांध जाता है। अब बोनी कैलस फॉर्मेशन, फिर जो अगले अगले जो वीक वीक होते हैं, माइग्रेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स एट द ब्रोकन एंड्स जो है बेटा जी, ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिजोल्विंग सेल्स जो कि कार्टिलेज सेल्स को डिजोल्व करेंगे और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो डिवाइड करके ऑस्टियोसाइट्स बनाएंगे, बोन सेल्स। ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स बोन सेल्स होते हैं, तो वो बना ऑस्टियोब्लास्ट से बनते हैं। तो अब बेटा जी क्या हो जाएगा, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट कंटिन्यू टू माइग्रेट इनवर्ड एंड मल्टीप्लाई यानी सेल डिवीजन से डिवाइड करते हैं एंड ग्रेजुअली कन्वर्ट द सॉफ्ट कैलस इनटू बोनी कैलस। सॉफ्ट कैलस को किस में तब्दील कर देते हैं? बोनी कैलस में। तो इस तरह से जो है बोन फॉर्मेशन जो है बिगेन्स 3 to 4 वीक्स आफ्टर इंजरी, यानी ये जो बोनी कैलस है या बोन फॉर्मेशन है ये इंजरी के होने के बाद तकरीबन 2 माह बाद शुरू होती है, यानी 1 माह गुजर जाता है उसके बाद शुरू होती है एंड कंटिन्यू अंटिल ए फर्म बोनी यूनियन इज फॉर्म्ड विद इन 2 to 3 मंथ्स। तो 2 माह में जब वो बोनी कैलस बन जाएगा, 3रे माह में बोनी कैलस मुकम्मल तौर पर बोन में तब्दील हो जाएगा। रीमॉडलिंग जिसे रीशेपिंग कहते हैं, आफ्टर 7 मंथ बोनी कैलस इज रीमॉडल जो है, तो उसको रीमॉडल किया जाता है। वजह ये देखें कि मिसाल के तौर पर ये ब्रोकन एंड आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर जो है वो नई एक्सेस कैलस भी बन गया था। तो ये एक्सेस कैलस जो है वो बोन की नॉर्मल फंक्शनिंग में और शेपिंग ऑफ दी बॉडी जो है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसको क्या किया जाता है, रीमॉडल करता है हमारा बॉडी नेचरली। तो ऑन द आउटसाइड ऑफ द बोन्स इज रिमूव्ड बाय दी आफ्टर 7 मंथ्स बाय बोनी कैलस इज रीमॉडल्ड बाय एक्सेस मटीरियल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बोन। मैंने इस फिगर में आपको यही दिखाया है कि एक्सेस मटीरियल जो वो देखिए पहले बहुत ज़्यादा मोटा है, थोड़ा सा रह गया है, तो बड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो रह जाता है।
तो फाइनल स्ट्रक्चर आर रिमॉडल्ड एरिया बोन रिजेंबल्स दैट ऑफ द ओरिजिनल अनब्रोकन बोन, बिल्कुल जो है वो ओरिजिनल बोन जैसा हो जाता है। रीमॉडलिंग के बाद बोन की शक्ल ओरिजिनल बोन जैसी हो जाती है बिकॉज इट रिस्पॉन्ड द सेम सेट ऑफ मैकेनिकल स्टिमुलाई, उस बोन को वही मूवमेंट वो परफॉर्म करके वही स्ट्रेंथ रखती है जो कि वो फ्रैक्चरिंग से पहले रखती होती थी। तो बड़ा जी आप जो है कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर आमीन। शुक्रिया।